बेऔलाद अफराद के लिए खुशखबरी और उम्मीद की नई किरण, मर्दाना बांझपन का कामयाब इलाज। मर्दाना बांझपन से मुतालिक तमाम मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में गलत तसव्वुर पाया जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों में होता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन जिंसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिंसी कुव्वत तीन कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीन कुव्वतों में किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन दो किस्म का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हों, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन फिर वक्त वो औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। नाज़रीन, स्पर्म के अमराज जानने से पहले ये जानना जरूरी है ये कहाँ पैदा होते हैं, कितनी देर में जवान होते हैं, ये जिंदा महरे किस रुतुबत में रहते हैं, इनकी इकसाम कितनी है, ये कितने फीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। स्पर्म टेस्टिकल्स में तैयार होते हैं, अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और हालत बन जाती है और स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की तीन किस्म की बीमारियाँ हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। एक मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने की वजह से इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सकें। एजोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया की मजीद दो किस्म हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उज़्र तनासिर के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना है। इसके अलावा खुशी में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, इसके अलावा बांझपन खुशियों की वजह से भी हो सकता है। खुशियों की दो तरह की बीमारियाँ हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना है। दूसरे नंबर पर है वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना है। तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर की शोबा रिसर्च के माहरीन हुक्मा डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मर्दाना बांझपन इन तमाम वजूहत को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के नचोड़ अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन का कामयाब इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना के तासीर ज़ाफरानी स्पर्म ग्रो कोर्स ने कई बेऔलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर हैं। ये मर्दों के जरासूम हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। किरमे मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासिब को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने भी नहीं देता। इस कोर्स के इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिलती है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से भी रोकता है। तासीर दवाखाना औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का जामिन समझा जाता है। अपने सोने आंगन को फूलों से महकाने के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल यकीन के साथ इलाज करवाएं। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन के मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें।
और इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको जिंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए जरूरी हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।